निशा रसोई की आज की रेसिपी है सूजी मलीदा। ये एक कप भर के सूजी है और उससे ये एक कप भर के थोड़ी सी कम इसमें शक्कर है और ये दूध का पाउडर है, ये डालडा घी है, ये इलायची पाउडर है, ये चारोली बादाम काजू और पिस्ता और काजू। अब सूजी को मैं गूंद लूंगी। सूजी मैंने डाल दी, अब इसमें मैं दूध का पाउडर डाल दूंगी और मैं घी डाल दूंगी और अच्छे से मैं सबको मिलाकर गूंद लूंगी। धीरे धीरे पानी डालकर मैं सूजी को अच्छे से मिला लूंगी और इसको मैं गूंद लूंगी। सूजी को मैं गूंद चुकी हूँ, अब मैं इसको 10 मिनट तक सूजी को रख दूंगी। तो मैं सूजी को मैं ले ली हूँ और ऐसा करके मैं इसमें खड्डे कर लूंगी। एक एक करके मैं सारों को ऐसा बनाकर फ्राई कर लूँगी। सब मैंने सूजी को गोल गोल करके ऐसे खड्डे कर ली हूँ और घी मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके इसको फ्राई कर लूँगी, सारों को मैं फ्राई कर लूँगी। अब एक एक करके मैं सबको पलटी मार लूँगी और अच्छे से मैं उलट पुलट करके सबको फ्राई कर लूंगी। सारी सूजी को मैं इस तरीके से फ्राई कर ली हूँ घी में। अब मैं इसको निकाल लूंगी और इसको ठंडा होने तक मैं रख लूंगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब हल्का मैंने कढ़ाई में घी रख ली हूँ, अब इसको मैं हल्का फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का ही करूँगी और गैस को मैं अब बंद कर दूँगी। इसको मैंने हल्का फ्राई कर दी हूँ, ये घी गर्म ही था और मैंने गैस को बंद कर और इसको निकाल दूँगी। सारे सूजी के लड्डू फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं आप कितने बढ़िया बने हैं। इस तरीके से मैं सारों को तोड़ लूँगी, फिर मिक्सर की जार में इसका एक पाउडर बना पीस। मिक्सर के जार में मैं इसको डाल दूँगी और इसका एक पीस लूँगी। सूजी को मैं अच्छे से पीस चुकी हूँ और शक्कर को भी मैंने बारीक कर ली हूँ। हमें शक्कर और सूजी को अच्छे से मिला लूंगी। और इसी में इलायची पाउडर भी मैं डाल दूंगी। आप चाहे तो इस टाइम थोड़ा घी भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं घी नहीं अब मिलाऊंगी, मेरे को इतना ही घी बस हो चुका है। और ये सारों को मैं अच्छे से मिला लूंगी। हम मलीदे में मैं काजू बादाम जो काट के फ्राई कर ली हूँ इसको मैं मिला दूँगी अच्छे से। सूजी मलीदा देख सकते हैं आप कितना अच्छा तैयार हो चुका है और कितना बढ़िया बन चुका है ये मलीदा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जाकर लाइक और फॉलो करो।